हाई एवरी वन, वेलकम टू लर्नर्स लीड। अगर आप सैनिक स्कूल के एंट्रांस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। हमने अपना क्लासेस स्टार्ट करा है ऑनलाइन आपके प्रिपरेशन के लिए। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर, रैशनल नंबर। इससे पहले मैंने नंबर सिस्टम पढ़ाया है, उसमें रैशनल नंबर का मैंने इंट्रोडक्शन करा दिया है और कुछ टर्म्स जैसे कि इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इन सब का मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन करा है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप सबसे पहले वो वाले वीडियोस देख लें और नंबर सिस्टम का पार्ट 1, क्योंकि वो आपको काम आएंगे इस चैप्टर को समझने में। सो आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं रैशनल नंबर। सबसे पहले जानते हैं रैशनल नंबर होते क्या हैं। नंबर्स जिन्हें हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू होंगे हमारे इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ओके, तो ऐसे नंबर्स जिन्हें हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ p और q होंगे इंटीजर्स और q नॉट इक्वल टू ज़ीरो। मतलब क्या, एक नंबर ऊपर होगा और एक नंबर नीचे होगा, दोनों इंटीजर्स होंगे। और ये ऊपर वाले नंबर को हम कहते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले नंबर को कहते हैं डिनोमिनेटर। देखिए, पी और क्यू होंगे इंटीजर्स, तो इंटीजर्स मैंने कहा आपको जानने के लिए मेरे नंबर सिस्टम का वीडियो देखना है। तो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं इसमें एग्जांपल, एक हो जाएगा 1/2। देखिए कैसे, 1 और 2 हमारे हो जाएंगे इंटीजर्स एंड ये जो नीचे वाला नंबर है क्यू, मतलब कि नीचे वाला नंबर 2 जो है नॉट इक्वल टू ज़ीरो। नीचे वाला मतलब डिनोमिनेटर पार्ट को नॉन ज़ीरो होना है और हमारा 2 नॉन ज़ीरो है, तो ये नंबर हमारा हो गया रैशनल नंबर। और एग्जांपल देख सकते हैं हम, जैसे कि 3/7, इसमें भी 3 क्या है, 3 और 7 है हमारे इंटीजर्स और नीचे वाला जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो ज़ीरो नहीं है, तो क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्यू मतलब ये 7 है, तो ये भी हो गया हमारा रैशनल नंबर। और एग्जांपल्स हैं जैसे कि हो गए हमारे 101/37, 3/4, 7/6, कुछ भी नंबर ऊपर नीचे, ठीक है, -18, 81, 6, 7, 8, 9, कुछ भी जो कि इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है। और क्या हो सकते हैं, 9/3, 5/17, 11/19, -1/10 एंड सो ऑन, बहुत एग्जाम्पल सकते हैं। तो रैशनल नंबर हो गए ऐसे नंबर्स जिन्हें हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू इंटीजर्स होंगे, क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि इन नंबर्स को देख के कि ये तो फ्रैक्शन के जैसा दिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या रैशनल नंबर फ्रैक्शंस हैं। तो देखिए, फ्रैक्शंस और रैशनल नंबर्स का डिफरेंस है कुछ, ठीक है, कुछ तो वो डिफरेंस हम देख लेते हैं रैशनल नंबर और फ्रैक्शन के बीच। तो देखिए, रैशनल नंबर्स का हमने अभी पढ़ा कि रैशनल नंबर्स को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पी क्यू क्या होंगे हमारे इंटीजर्स और क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये इसका कंडीशन है, ठीक है। बट फ्रैक्शंस का जो कंडीशन वो है कि जो नंबर्स जिन्हें हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख तो सकते हैं, पर पी और क्यू हो जाएंगे हमारे होल नंबर्स, ठीक है, होल नंबर्स और क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो देखिए, सब सेम है, सेकेंड कंडीशन में यहाँ पी और क्यू होंगे हमारे होल नंबर और रैशनल नंबर में पी और क्यू होंगे इंटीजर्स। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें हमारे इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स तो हमारे 0 ऑल पॉजिटिव नंबर्स एंड ऑल नेगेटिव नंबर्स, मतलब क्या, ऊपर या नीचे वाला नंबर यहाँ पर हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब क्या, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हमारा हो जाएगा, हमारे इसमें हो सकता है -9/10 हो सकता है, रैशनल नंबर हो सकता है क्योंकि नेगेटिव नंबर्स भी ले सकते हैं इंटीजर्स है। तो से एक पॉइंट जो आ जाता है कि रैशनल नंबर्स कैन बी नेगेटिव। बट अगर हम फ्रैक्शंस की बात करें तो देखिए, फ्रैक्शंस में सारे होल नंबर्स आते हैं जो कि सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो फ्रैक्शंस हमारे अगर एग्जांपल हो जाएंगे तो क्या हो गया, 2/3, 101/300, तो सारे पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, मतलब फ्रैक्शंस आर ऑलवेज पॉजिटिव। फ्रैक्शन क्या हो जाएंगे हमारे, हमेशा पॉजिटिव रहेंगे एंड रैशनल नंबर्स कैन बी नेगेटिव एंड कैन बी पॉजिटिव। ओके,
देखिए इंटीजर्स हमारे पॉजिटिव नंबर्स भी हैं, नेगेटिव नंबर्स भी हैं। तो मतलब पी और क्यू हमारे जो इंटीजर्स हैं वो हमारे पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं। और इसी की वजह से रैशनल नंबर्स क्या हो जाएंगे, रैशनल नंबर्स नेगेटिव भी हो सकते हैं, कैन भी नेगेटिव एंड पॉजिटिव। रैशनल नंबर्स क्या हो जाएंगे, रैशनल नंबर्स कैन भी नेगेटिव एंड पॉजिटिव। बट अगर हम फ्रैक्शंस की बात देखें तो देखिए होल नंबर्स हमारे सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, मतलब पी और क्यू क्या हो जाएंगे, दोनों पॉजिटिव होगा, कोई नेगेटिव नहीं ले सकते हैं। तो इसीलिए फ्रैक्शंस आर ऑलवेज पॉजिटिव, जैसे कि 2/3, 100 और 1/300 सारे पॉजिटिव आएंगे। लेकिन रैशनल नंबर्स नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी। अब हम तीसरे पॉइंट पर आ जाएंगे। ये देखिए इंटीजर्स के अंडर ही हमारे सारे होल नंबर्स आ जाते हैं। तो देखिए जो हमारे फ्रैक्शंस हैं, फ्रैक्शंस ये क्या हो जाएंगे, ये हमारे रैशनल नंबर हो जाएंगे। बट जो रैशनल नंबर है वो फ्रैक्शंस नहीं हो सकते, क्योंकि इनमें तो नेगेटिव है और फ्रैक्शंस हमेशा पॉजिटिव होंगे। तो एक जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट इससे आ जाता है कि ऑल फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर्स बट ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट फ्रैक्शंस। अब समझ गए कि कैसे, जैसे कि 2/300 और 1/300 ये सारे आपके फ्रैक्शंस भी हैं, रैशनल नंबर्स भी है। बट अगर हम देखें 1/-9/10 ये रैशनल नंबर तो है पर ये तो फ्रैक्शन नहीं है। तो इसीलिए ऑल फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर्स, सारे फ्रैक्शन रैशनल नंबर हैं बट ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट फ्रैक्शंस, सारे रैशनल नंबर्स फ्रैक्शंस नहीं है। तो एक क्वेश्चन करते हैं, इज़ टू अ रैशनल नंबर, क्या टू एक रैशनल नंबर है? तो देखिए आप बोलोगे ये तो पी बाई क्यू के फॉर्म में ही नहीं है तो ये रैशनल नंबर होगा ही नहीं। तो देखिए टू रैशनल नंबर है, यस इट इज़ अ रैशनल नंबर होगा। देखिए तो टू को हम लिख सकते हैं, टू को हम 2/1 लिख सकते हैं। कैसे मैं बताती हूँ, तो 2/1 लिखने का मतलब क्या है, 2/1 मतलब 2/1, वह 2 को 1 से डिवाइड किया जा रहा है। तो जब हम 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 × 2 = 1, 1 × 2 = 2, तो ये आ जाएगा रिमाइंडर 0, क्वेश्चन आ जाएगा 2, तो फिर से तो 2 आ ही गया आया। तो इसीलिए हम 2 को 2/1 लिख सकते हैं, या फिर कोई भी नंबर को इस बाय 1 करके लिख सकते हैं। तो अब देखो ये तो पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया, जहाँ पी और क्यू क्या है हमारे इंटीजर्स, 2 और 1 इंटीजर्स हैं। ओके 1 ≠ 0 तो q ≠ 0 का भी कंडीशन सेटिस्फाई कर गया और इसीलिए 2 रैशनल नंबर है। इसी तरह से जितने भी हमारे नंबर्स हैं सारे को हम बाय 1 करके लिख सकते हैं और इसीलिए सारे नंबर्स पॉजिटिव और नेगेटिव सारे हमारे रैशनल नंबर हो जाएंगे। कैसे देख सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं 100 को हम लिख सकते हैं 100/1, तो ये भी हमारा रैशनल नंबर आ जाएगा। हमारे जितने भी नंबर्स हैं नेगेटिव हो गए प्लस पॉजिटिव हो गए सारे को हम बाय 1 करके लिख सकते हैं। पी बाई क्यू के फॉर्म में आ जाएंगे, फिर पी क्यू इंटीजर्स होगा और क्यू नॉट इक्वल टू 0, तो हम कह सकते हैं कि ये सारे नंबर भी रैशनल नंबर है 2 के ही तरह। और हम जानते हैं कि इन सब नंबर्स को हम इंटीजर्स कहते हैं, इसका मतलब क्या हो जाता है कि ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। अब देखिए इंटीजर्स क्या हो जाते हैं हमारे, 0 सारे पॉजिटिव नंबर्स और सारे नेगेटिव नंबर्स, मतलब सारे इंटीजर्स हमारे रैशनल नंबर हो गए। अब बात करते हैं कि 0, क्या 0 रैशनल नंबर है? तो चलिए इज 0 अ रैशनल नंबर, क्या 0 एक रैशनल नंबर है? तो देखिए 0 को हम 0/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं 2 के तरफ, ठीक है, जहाँ 0 और 1 क्या हो जाएंगे इंटीजर्स और नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है 1 ≠ 0, तो इसमें भी पी बाई क्यू के फॉर्म में है, 0 और 1 इंटीजर्स है, 1 ≠ 0, तो इसी तरह से इसके इससे भी सेटिस्फाई हो रहा है कंडीशन रैशनल नंबर का और इसीलिए यस 0 इज अ रैशनल नंबर लाइक द अदर इंटीजर्स। इज 9/0 अ रैशनल नंबर, क्या 9/0 एक रैशनल नंबर है? 9/0 हमारा पी बाई क्यू के फॉर्म में तो है, 9 और 0 क्या इंटीजर्स हैं, 9 और 0 इंटीजर्स भी हैं, तो ये भी कंडीशन सही है। बट क्या नीचे वाला पार्ट क्या था हमारा कि क्यू नॉट इक्वल टू 0, नीचे वाला पार्ट 0 नहीं होना चाहिए, बट यहाँ तो 0 है, क्यू यहाँ 0 है, तो ये वाला क्वेश्चन रैशनल नंबर्स के लिए सेटिस्फाई नहीं करा। क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए था बट है यहाँ पे क्यू इक्वल टू 0, इसीलिए ये रैशनल नंबर नहीं है, 9/0 रैशनल नहीं है।
अब ये जान लेते हैं कि क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये वाला कंडीशन आखिर है ही क्यों, क्यों 9/0 रैशनल नंबर नहीं होगा ये ज़ीरो जबकि इंटीजर है। तो देखिए जब हम 9/0 लिखते हैं इसका मतलब क्या, ज़ीरो से 9 को डिवाइड किया जा रहा है, मतलब ज़ीरो से ऐसा कौन सा नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे जिससे 9 आए, 0 इंटू विच नंबर मल्टीप्लाई किया जाएगा, ये आंसर 9 आएगा। तो देखिए आप जानते हैं कि 0 × 1 0, 0 × 2 2 0, कुछ भी नंबर को इंटू कीजिए 0 ही आना है, ठीक है। तो ये 0 से क्या नंबर मल्टीप्लाई करेंगे कि 9 आएगा, तो ये ऐसा नंबर आपने सुना ही नहीं होगा और ऐसा नंबर है भी नहीं, नो सच नंबर, ऐसा कोई नंबर है ही नहीं, और इसीलिए इसको हम कहते हैं अनडिफाइंड, मैथ्स के लैंग्वेज में अनडिफाइंड मतलब जिसे हम जानते ही नहीं है। तो इसीलिए ये कंडीशन आया है क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो वाला रैशनल नंबर के लिए। क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। ऑप्शन ए, फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर्स बट इंटीजर्स आर नॉट। ऑप्शन बी, बोथ फ्रैक्शंस एंड इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। ऑप्शन सी, नाइदर फ्रैक्शंस नॉर इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। ऑप्शन डी, इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स बट फ्रैक्शंस आर नॉट। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, करेक्ट है, ये आपसे पूछ रहा है। ए है, फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर्स बट इंटीजर्स आर नॉट, फ्रैक्शंस रैशनल नंबर हैं बट इंटीजर नहीं है। ऑप्शन बी है, बोथ फ्रैक्शंस एंड इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, मतलब फ्रैक्शंस और इंटीजर्स दोनों रैशनल नंबर हैं। ऑप्शन सी है आपका, नाइदर फ्रैक्शंस नॉर इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, ना फ्रैक्शंस और ना ही इंटीजर्स रैशनल नंबर कोई नहीं इनमें से, मतलब। ऑप्शन डी है, इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स बट फ्रैक्शंस आर नॉट, मतलब इंटीजर्स रैशनल नंबर हैं पर फ्रैक्शंस नहीं। तो इनमें से बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। अभी हमने पढ़ा फ्रैक्शंस और इंटीजर्स के बारे में और रैशनल नंबर के बारे में, हम बात कर लेते हैं आंसर का। तो इसका सही होगा ऑप्शन बी, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बिकॉज देखिए अभी हमने पढ़ा कि फ्रैक्शंस और रैशनल नंबर्स, फ्रैक्शन के केस में पढ़ा था फ्रैक्शंस और रैशनल नंबर्स बट रैशनल नंबर्स आर नॉट फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन तो रैशनल नंबर है वहाँ से हमने पढ़ा। अभी हमने पढ़ा इंटीजर्स का कि ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, तो इंटीजर्स भी रैशनल नंबर है, अभी हमने दोनों ही पढ़ा, तो इसीलिए बोथ फ्रैक्शंस एंड इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, ऑप्शन बी आपका सही होगा। तो ये क्वेश्चन आया था JNVST 2021, मतलब नवोदय विद्यालय का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसका 2021। अब आप बोलोगे कि आप सैनिक स्कूल का प्रिपरेशन करा रही है नवोदय का, तो देखिए क्वेश्चन तो कहीं पे भी आए आपको प्रैक्टिस करवाना ना, ये मेन बात है। ऐसा भी तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम ये आपके एग्जाम में आ जाए, ओके।